भारत में 75 साल बाद चीतों की वापसी हो रही है और इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर में लाया जा रहा है। आपको एक दिलचस्प जानकारी शायद नहीं होगी कि मध्य भारत से ही चीते देश से विलुप्त हुए थे। छत्तीसगढ़ के कोरिया रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने आखिरी 3 चीतों का शिकार किया था और उसके बाद से ही चीते के भारत से विलुप्त होने का आधिकारिक ऐलान किया गया था। क्या है आखिरी 3 चीतों की कहानी, देखिए कोरिया छत्तीसगढ़ से द सूत्र संवाददाता याग्वल्क मिश्रा की बेहद रोचक और खास रिपोर्ट। ये हवेली देख रहे हैं, ये कोरिया रियासत की हवेली है, इसे रामानुज हवेली कहा जाता है। हवेली के 4 कमरों में उन आखिरी चीतों की ट्रॉफी आज भी देखी जा सकती है जिनका शिकार रामानुज प्रताप सिंह ने किया था। वो 1948 का साल था। उस वक्त घने जंगल से घिरे इस इलाके में वन्य प्राणियों की भरमार थी। जंगली जानवरों का शिकार शौक वीरता दिखाने के साथ साथ उनके आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए राजा किया करते थे। ये 3 चीते भी लोगों के लिए सिरदर्द बन गए थे, इसलिए इनका शिकार किया गया और शिकार के बाद एक फोटो खिंचवाई गई। यही थी 3 चीतों की वो आखिरी फोटो। हालांकि रामानुज प्रताप के वंशजों का कहना है कि शिकार तो हुआ था, ट्रॉफी भी रखी है, मगर यही आखिरी चीते थे वो ठीक से कह नहीं सकते। यहाँ के आखिरी राजा जो थे रामानुज प्रताप सिंह देव, वो शिकार करते थे। उनके यहाँ पे टेलीफोन लाइंस भी थी सुनहत के जंगल, रामगढ़ के जंगलों से यहाँ तक। अगर कहीं पर भी कोई टाइगर अगर अटैक करता था तो वो तुरंत जाके वहां पर पहुंच जाते थे और जैसा जो भी होता था उसको करते थे, शिकार करते थे। चीतों के बारे में मैं सुनी हूँ, हाँ उनकी ट्रॉफी में कुछ चीतों की ट्रॉफी भी है, पर लास्ट चीता वही मारे, इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जितना आम जनता जानती है मैं भी उतना ही जानती हूँ। हालांकि इन चीतों के बाद देश में कहीं भी चीते दिखाई नहीं दिए, इसलिए माना गया कि अब चीते खत्म हो चुके हैं और सरकार ने चीतों को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया। अब एक बार फिर चीते मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि चीतों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मेरे ठीक पीछे का जो इलाका आप देख रहे हैं, जहाँ पे जंगल और आपको पहाड़ नजर आ रहे होंगे, ये 1947 में इससे भी ज्यादा घने थे। ये इलाका झगराखंड का है। ये झगराखंड वही इलाका है जहाँ को लेकर कहा जाता है कि कोरिया के राजा रामानुज प्रताप ने चीतों का शिकार किया था। 3 चीते जो कि नरभक्षी हो गए थे, जिन्हें मारने के लिए कोई और दूसरा विकल्प शेष नहीं बताया जाता है, और तब राजा रामानुज ने ये शिकार किया। दिलचस्प ये भी है कि इस पूरे वाकये को लेकर कोई लिखित अभिलेख नहीं है, जनश्रुतियां हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये किस्से चले आए, लेकिन किस्से कहीं कहीं पर जो वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं उसमें जरूर मिलते हैं तस्वीरों के साथ, लेकिन मूलतः ये शिकार कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसको लेकर कोई इतिहास नजर नहीं आता है। या केवल द सूत्र कोरिया। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।